हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक वीडियो लेके, जिसमें हम देखेंगे पिछली वीडियो का सलूशन। पिछली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, उसका आज सलूशन देखेंगे हम। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक मान लो कोई कोई भी बंदा है, उसके पास है 500 रुपये। उसने पहले 200 खर्च कर दिए, उसके पास बैलेंस कितना बचा? 300। फिर उसने 300 में से 150 खर्च कर दिए, उसके पास कितने बचे? 150। 150 में से उसने 90 खर्च कर दिए, फिर उसके पास बचे 60। फिर 60 में से उसने 60 ही खर्च कर दिए, उसके पास बचे 0। तो हमारा क्वेश्चन ये था, ये स्पेंट वाले कॉलम को जब हम जोड़ते हैं तो 500 आता है, और जब बैलेंस वाले कॉलम को जोड़ते हैं तो 510 आता है। तो ये 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 10 का डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में देखना है हमने क्या गलती है। तो चलिए, इसे समझने के लिए हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, जिसमें मानते हैं कि बंदे के पास है 100 रुपये, और एक स्पेंट वाला कॉलम बनाते हैं और एक बैलेंस का। तो मान लीजिए उसने 100 में से 10 खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे 90। अब 90 में से उसने फिर 10 खर्च कर दिए, तो बचे 80। 80 में से उसने फिर खर्च कर दिए 50 रुपये, तो उसके पास बचे 30। फिर 30 में से उसने 30 के 30 खर्च कर दिए। अब स्पेंट वाले कॉलम को जोड़ के देखते हैं और बैलेंस वाले कॉलम को जोड़ के देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। स्पेंट वाले कॉलम को अगर हम जोड़ते हैं तो बनता है 100, और बैलेंस वाले कॉलम को अगर हम जोड़ते हैं तो बनता है 200। तो अब हम कहें कि 100 रुपये कहाँ से आ गए, तो ये बेवकूफ़ी है। तो वो जितने कम 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 खर्च करेगा, उतना बैलेंस ज़्यादा ज़्यादा बचेगा, और बैलेंस का टोटल उतना ज़्यादा होगा। तो स्पेंट वाले कॉलम और बैलेंस वाले कॉलम को बराबर करना एक बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।